सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो सब ठीक ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं करने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा उपमा बनाया है और हाफ कप टी बनाई है। इसको खाने के बाद मैं उठाऊँगी समर्थ और अंकित को, क्योंकि होता है क्या है कि अगर मैं उनको पहले उठा देती हूँ ना तो मेरा बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता, क्योंकि मैं उनके काम में लग जाती हूँ कभी कुछ कभी कुछ, तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं हो पाता। तो मैं क्या करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट पहले ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उन दोनों को उठाती हूँ। तो चलो कर लेते हैं पहले अपना ब्रेकफास्ट। तो गाइस बज चुके हैं 12, अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। मैंने बनाए हैं छोले और आलू, साथ में आटा लगा दिया था। बीच में जो भी काम था वो मैं नहीं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा चलो लंच में स्टार्ट कर लेते हैं। क्या हो गया? तो यहाँ समर्थ कुछ कह रहा था, पता नहीं इसका लाइट का एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे इन्वर्टर जो है लाइट कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो चल नहीं रहा है, बार बार रुक जा रहा है, चार्जिंग ढंग से हो नहीं रही है। तो इसका टीवी जैसे ही इन्वर्टर बंद होता है इसका टीवी बंद हो जाता है। तो गईज अभी रोटियां मैंने सब्जी मैंने बना ली थी और रोटियां बनाने लगी हूँ। रोटियां समर्थ और अंकित का ही खाना बनाऊंगी। मेरा जो लंच होगा वो बस जो मैंने छोले मतलब वाइट वाले उबाले थे उसी के अंदर सैलेड कर लूँगी, मतलब सैलेड बना लूँगी उसका, टमाटर प्याज काट करके। रोटी मैं नहीं खाऊँगी क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं वेट लॉस पर चल रही हूँ, तो थोड़ा सा रोटियां मैं इग्नोर करूंगी। अगर कभी बहुत ज़्यादा मन होगा तो देखते हैं उसमें बेसन का आटा और मतलब जो भी मल्टीग्रेन कहते हैं जिसको फ्लावर, उसका मैं उसकी रोटियां बनाऊंगी। तो फिलहाल तो आज मेरा मन था बस वही सैलेड खाने का, तो अपने लिए मैं वही बनाऊंगी। समर्थ और अंकित की रोटियां मैंने बना दी है। एक और मेरे अंदर पता है एक बड़ी गंदी सी आदत है, मैं भी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ मुझे लगता है बस स्लैब फटाफट से साफ़ कर दो, बिल्कुल भी गंदा ना मेरे से देखा नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं कि खाना बनाने के एकदम से बाद में जो है ये किचन साफ़ नहीं करना चाहिए, बट मेरी पता नहीं क्यों ऐसी गंदी आदत मुझे पड़ी हुई है कि जैसे ही खाना बनता है मैं साथ के साथ कपड़ा लेती हूँ और जो गैस वगैरह जो होता है ना सारा साफ़ कर देती हूँ। तो वही सब मैं कर रही थी, साफ़ करके रख दिया था मैंने सारा, बस बर्तन रह जाते हैं। तो फिर क्या करती हूँ खाना खाने के बाद वो बर्तन वॉश कर लेती हूँ, स्लैप वगैरह जो भी होता है वो मैं साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो, फटाफट से काम हो जाए। तो सारा ये साफ़ मैंने कर दिया था। उसके बाद मैंने काट रही थी मैं खीरा, वही अपनी सैलेड के लिए जो मुझे खाना था लंच में। फटाफट से अंकित की प्लेट में खीरा काट दिया था और छोटे छोटे स्लाइस करके अपने लिए थोड़ा सा निकाल लिया था। अच्छा खासा वेट लॉस कर लिया था मैंने। मैं पहले थी 76 kg की एंड उसके बाद मैंने 3 or 4 months के अंदर अपना वेट कर लिया था 60 kg, लेकिन अभी पता नहीं क्या 60 तो नहीं, मतलब ये हो गया था मेरा 64 or 65 के बीच में, लेकिन वही 2-3 महीने जो तबीयत ख़राब रही, उल्टा सीधा खाया, फिर समर्थ भी बीमार हो गया था 2 महीने। दिसंबर में मैंने जिम छोड़ दिया था और अपनी डाइटिंग बिल्कुल बंद कर दी थी, तो दिसंबर से अभी हो गया मार्च ख़त्म होने वाला है, मैंने कोई डाइट नहीं ली और उसमें मैंने ना फिर से 5 किलो वज़न अपना बढ़ा लिया है। अब दोबारा से डाइट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना वेट कम करूँ, क्योंकि एक बार जब आप पतले हो जाते हैं ना और फिर दोबारा मोटे होते हो तो बड़ा अजीब लगता है, फिर ना ऐसा होता है कि नहीं मुझे दोबारा उसी पोजीशन पे आना, मुझे वैसे ही रहना है। बड़ी स्लिम ड्रीम सी हो गई थी, बट अभी दोबारा से वेट बढ़ गया है ना तो बहुत परेशान रहती हूँ यार। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं फिर से अपना वेट जो है 60 kg पे लेके आऊँ, और ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप लोगों के साथ भी साथ के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपना वेट लॉस करूँगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैं खा के देख रही थी कि नींबू कैसा है, वो जो छोले के अंदर मैंने टमाटर प्याज काटे थे। फिर ये मैं अंकित को खाना देने चली गई थी। खाना देने के बाद ये मेरा लंच था एंड आज यार मुझे पता नहीं था लेकिन समर्थ के दादू दादी ने आना था तो वो आ चुके हैं, उन लोगों के साथ ही बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी इंजॉय करो। मैं दिखाती हूँ आपको अपने सास ससुर, सामने जो बैठे हुए हैं वो मेरे पापा जी यानी मेरे ससुर हैं, सामने मम्मी हैं, मेरी सास, समर्थ के दादा दादी एंड साइड में अंकित बैठे हुए हैं। आप लोग भी इंजॉय करो एंड मेरी मतलब जेठ की लड़की भी है, वो भी मैं आपको दिखाई देगी आगे वीडियो में, उसको भी देखना। सो छुछू नहीं करनी है, नो नो किया, पहले पोयम सुना, हाथी राजा सुना दे, क्या दिखा दू, चियानी चिया रानी, क्या बोलती है चिया रानी, पहले सुनाओ आप। कौन करती है
ना फोन ले ले नोनू बाय 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 नोनू बाय बाय सो गाइज मम्मी पापा जा चुके थे, उनके जाने के बाद मैं बनाने लगी थी चाय। तो चीनी देसी खांड एक्चुअली ख़त्म हो गई थी मेरी कंटेनर में, तो न्यू पैकेट ओपन किया था वही निकाल रही थी। एंड एक्चुअली क्या है, हम लोग चीनी यूज़ करते नहीं हैं, 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग देसी खांड का ही यूज़ करते हैं। फिर चाहे कुछ भी हो, मीठा बनाना हो, चाहे वो खीर हो, दूध हो, चाय हो, कुछ भी अगर मीठा बनता है तो उसमें खांड का ही यूज़ करते हैं, चीनी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो वही मैं कंटेनर में निकाल रही थी, चाय बना ली थी और समर्थ का दूध गर्म कर दिया था। अच्छा लगता है यार जब फैमिली कभी इकट्ठा होती है। तो पहले एक्चुअली हम लोग साथ में ही रहते थे, फिर कुछ अंकित की जॉब की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा सेपरेटली आना पड़ा। सेपरेट ज़्यादा दूर नहीं है वैसे तो घर, कभी मन होता है तो हम लोग चले जाते हैं या फिर मम्मी पापा आ जाते हैं मिलने के लिए। तो बस उनके जाने के बाद चाय पी और थोड़ा सा बातें की। एक्चुअली अंकित को जाना था दिल्ली आज, तो वो अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, पैकिंग वैकिंग कर रहे थे जाने के लिए, और इधर मैंने उनके लिए बना दी थी चाय। सो गाइज़ आज का व्लॉग बस इतना ही। चाय मेरी बन चुकी थी, समर्थ का दूध गर्म कर दिया है और चाय के साथ हम लोग लेंगे थोड़ी सी मटर। उधर बर्तन पड़े हुए हैं मेरे, तो चाय पीने के बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और प्लीज़ जो न्यू व्यूवर्स हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो गाइज मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। एंड सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इतना तो कर ही देना यार। सो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।